दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों यह कथा बहुत ही सुंदर है। दोस्तों यह कथा साधु द्वारा भंग की गई प्रतिज्ञा पर है। आज की कथा है चोरी की सजा साधु को, किंतु ये सच या झूठ? आइए कथा श्रवण करें। एक साधु पहाड़ों पर रहा करता था। ना उसकी स्त्री थी और ना बच्चे। वह एकांतवास में ही मगन रहता था। इस पहाड़ी की घाटियों में सेब, अमरूद, अनार इत्यादि फलदार वृक्ष बहुत थे। साधु का भोजन यही मेवे थे। इन्हें छोड़कर और कुछ नहीं खाता था साधु। एक बार इस साधु ने प्रतिज्ञा की कि ऐ मेरे पालन करता, मैं इन वृक्षों से स्वयं मेवे नहीं तोड़ूंगा और ना किसी दूसरे से तोड़ने के लिए कहूंगा। मैं पेड़ पर लगे हुए मेवे नहीं खाऊंगा। जो हवा के झोंके से नीचे गिर जाएंगे उनका ही सिर्फ सेवन करूंगा। दैवयोग से 5 दिन तक कोई फल हवा से नहीं झड़ा। भूख की आग ने साधु को बेचैन कर दिया। उसने एक डाली की फुनगी पर अमरूद लगे हुए देखे, परंतु संतोष से काम लिया और अपने मन को वश में किए रहा। इतने में हवा का एक ऐसा झोंका आया कि शाख की फुनगी नीचे झुक गई। अब तो उसका मन वश में नहीं रहा और भूख ने उसे प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए विवश कर दिया। बस फिर क्या था, वृक्षों से फल तोड़ने की इसकी प्रतिज्ञा टूट गई। साथ ही ईश्वर का प्रकोप प्रकट हुआ, क्योंकि उसकी आज्ञा है कि जो प्रतिज्ञा करो उसे अवश्य पूरा करो। उसी पहाड़ी में शायद पहले से ही चोरों का एक दल रहता था और यही वे लोग चोरी का माल आपस में बांटा करते थे। दैवयोग से उसी समय चोरों के यहाँ मौजूद होने की खबर पाकर कोतवाली के सिपाहियों ने इस पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और चोरों के साथ साधु को भी पकड़कर हथकड़ी बेड़ी डाल दी गई। इसके बाद कोतवाल ने जल्लाद को आज्ञा दी कि इनमें से हर एक के हाथ पांव काट डालो। जल्लाद ने सबका बायां पांव और दायां हाथ काट डाला। चोरों के साथ साधु का भी हाथ काट डाला गया और पैर काटने की बारी आने वाली ही थी कि अचानक एक सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और सिपाहियों को ललकार कर कहा, अरे देखो यह अमुक साधु है और ईश्वर भक्त है, इसका हाथ क्यों काट डाला? यह सुनकर सिपाही ने अपने कपड़े फाड़ डाले और जल्दी से कोतवाल की सेवा में उपस्थित होकर इस घटना की सूचना दी। कोतवाल यह सुनकर नंगे पांव माफी मांगता हुआ उपस्थित हुआ। बोला, महाराज ईश्वर जानता है कि मुझे खबर नहीं थी, ऐ दयालु मुझे माफ कर दो। साधु बोला, मैं इस विपत्ति का कारण जानता हूँ और मुझे अपने पापों का ज्ञान है। मैंने बेईमानी से अपना मान घटाया और मेरी ही प्रतिज्ञा ने मुझे इसके कचहरे में धकेल दिया। मैंने जानबूझकर प्रतिज्ञा भंग की, इसलिए इसकी सजा में हाथ पर आफत आ गई। हमारा हाथ, हमारा पांव, हमारा शरीर तथा प्राण मित्र की आज्ञा पर निछावर हो जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। तुझसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तुझे इसका पता नहीं है। इतना कहकर साधु अपनी कुटिया में वापस चला गया। कुटिया में पहुंचकर प्रभु से अपनी भूल की बहुत क्षमा याचना की। संयोग से एक मनुष्य भेंट करने के अभिप्राय से उसकी झोपड़ी में घुस आया। देखा कि साधु दोनों हाथों से अपनी झोली सी रहे हैं। साधु ने कहा, अरे भले आदमी, तो बिना सूचना दिए मेरी झोपड़ी में कैसे आ गया? उसने निवेदन किया कि प्रेम और दर्शनों की उत्कंठा के कारण यह अपराध हो गया। साधु ने कहा, अच्छा तो चला आ, लेकिन खबरदार मेरे जीवन काल में यह भेद किसी को मत बताना। झोपड़ी के बाहर मनुष्यों का एक समूह झांक रहा था। वह हाल जान गया। साधु ने कहा, ऐ परमात्मा, हे भगवान, तेरी माया तू ही जाने। मैं इस चमत्कार को छिपाता हूँ और तू प्रकट करता है। साधु ने आकाशवाणी सुनी कि अभी थोड़े ही दिन में
लोग तुझ पर अविश्वास करने लगते और तुझे कपटी और प्रपंचे बताने लगते। कहते हैं कि इसलिए ईश्वर ने इसकी यह दशा की है। वे लोग नास्तिक ना हो जाएं और अविश्वास और भ्रम में ग्रस्त ना हो जाएं, जन्म के अविश्वासी ईश्वर से विमुख ना हो जाएं। इसलिए हमने तेरा यह चमत्कार प्रकट कर दिया है कि आवश्यकता के समय हम तुझे हाथ प्रदान कर देते हैं। मैं तो इन करामातों से पहले भी तुझे अपनी सत्ता का अनुभव करा चुका हूँ। ये चमत्कार प्रकट करने की शक्ति जो तुझको प्रदान की गई है, वह अन्य लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए है। इसलिए इसे उजागर किया गया है। इसलिए सब लोगों को तू अच्छी राह दिखा। साधु प्रभु की यह बात सुनकर भाव विभोर हो गया। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।